हेलो, तो वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे इंजन फ्लश के बारे में, ठीक है। आज इंजन फ्लश क्यों कराना ज़रूरी होता है और आपको क्यों कराना चाहिए इंजन फ्लश। एक्चुअल में इंजन फ्लश हमें हमारी बाइक के सर्विस के टाइम पे होता है, ये बात सबको पता है। जब बाइक की सर्विस होती है, पुराना वाला ऑयल चेंज होता है, उसमें नया ऑयल डालते हैं, तो उससे पहले इंजन फ्लश कराना चाहिए। इंजन फ्लश हमें क्यों कराना चाहिए? इंजन फ्लश एक्चुअल में हमारे दो काम में आता है। जब हमारी बाइक चलती है, रनिंग होती है, तो उसमें जो होता है फ्रिक्शन होता है इंजन के अंदर, ठीक है। जो उसका पिस्टन हेड, पिस्टन और पिस्टन रिंग के पिस्टन रिंग होते हैं, ठीक है, प्लस पिस्टन बोर होता है, ठीक है। बोर या आप जो भी कह सकते हो, सिलेंडर के जो भी आप बोल सकते हो, उसके बीच में जो होता है फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन पैदा होता है तो मेटल घिस के निकलता है, ठीक है सारा। तो वो हमारे इंजन ऑयल में थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, या जो हमारी क्लच प्लेटें होती है उनका जो लेदर घिसता है वो भी हमारे इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो सब जगह एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे इंजन के पार्ट्स को हार्म कर सकते हैं, जैसे गियर्स हो गए वगैरह वगैरह चीज़ों को हार्म कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कंपनीज ने निकाला इंजन फ्लश। तो मैं आपको आज बताऊंगा कौन सा इंजन फ्लश ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो जो आज मेरे पास दो नए इंजन फ्लश हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक है उर्थ का, ये भी जर्मनी से बिलोंग करता है, ये दूसरा है लिक्यूमोली, ठीक है। मैं दोनों का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे को कैसा फील आया, मेरे को कैसा फीडबैक मिला। तो पहले हम बात कर लेते हैं उर्थ की। उर्थ ये प्रोडक्ट है, ये भी जर्मनी से बिलोंग करता है, ऐसा इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था जब मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। अगर आपको परचेस करना है तो मैं इन दोनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये जो होता है ये मात्र 100 रुपये का आता है। अगर आप 200 रुपये का ख़रीदते हो, इसके साथ एक चीज़ और मिलती है आपको, ये रहा O2 ऑयल एडिक्टिव। ये आप अपने इंजन ऑयल में नहीं, आप इसमें अपने पेट्रोल टैंक में डाल सकते हो, फुल टैंक में आप इसको एक बार डाल सकते हो पूरी शीशी को, ठीक है। तो अगर बात कर लूँ इन दोनों की प्राइसिंग की, तो ये दोनों कॉम्बो मेरे को 200 रुपीज़ का पड़ा था अमेजोन के ऊपर से, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे साइड पे। दूसरी साइड पे बात कर ले तो ये भी जर्मनी का ही ब्रांड है लिक्यूमोली। इसको भी मैंने इसको भी यूज़ किया है। ये ATML आता है, ये 249 रुपीज़ का मिलता है ईच, ठीक है। अगर आप ये लेते हो तो आपको इसके साथ MS2 और सूटर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इंजन के फ्रिक्शन को कम करता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। कि आप जब इंजन फ्लश करा रहे हो, आपका इंजन फ्लश होता है, आप नया ऑयल डला रहे हो, तो आप उसके साथ MS2 ऑयल एडिक्टिव शूटर डाल लो, जिससे आपका इंजन का फ्रिक्शन बहुत हद तक कम हो जाएगी, आपकी गियर की स्मूथिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों को प्राइसिंग की। तो ये 100 रुपीज़ का है, ये 100 रुपीज़ का पड़ता है, ये 249 का पड़ता है। इसमें 80 ml होता है, इसमें 50 ml होता है। 1 लीटर इंजन है आपके पास, आपके लिए ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपकी बाइक में 1 लीटर इंजन ऑयल डलता है तो ये आपके लिए बेस्ट है और अच्छा भी है, ठीक है। अगर आपके पास 1 लीटर से ज़्यादा आपकी बाइक है, आपकी गाड़ी में 1.5 लीटर डलता है, 1.4 लीटर डलता है, 2 लीटर डलता है, या आप रॉयल इनफील्ड ओन करते हो तो उसमें डलता हुआ आपका लगभग 2.5 लीटर या 2.7 लीटर के आसपास डलता है, ठीक है। जितना मेरे को पता है उतना डलता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं फीडबैक की, दोनों का फीडबैक मेरे साथ कैसा रहा। मैंने इसको यूज़ किया था, इसका रिजल्ट इम्प्रेसिवली बहुत ज़्यादा अच्छा था। लोग कहते हैं कि उर्थ अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उर्थ ने मेरे को स्पॉन्सर किया, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है मेरे पास इसकी, ठीक है, ना ही मेरे को ये कंपनी ने भेजा। बस मेरा जो पर्सनली यूज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी 100 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। आप 100 रुपीज़ में आपको 50 ml इंजन फ्लश मिल रहा है, आपके पास 1 लीटर की बाइक है, जैसे मैं R15 यूज़ करता हूँ version 2 2017, ठीक है। तो मैं जब उसका सर्विस कराने गया था, अभी लास्ट मैंने राइड करी थी नैनीताल की, ठीक है, मैंने उसमें इसको यूज़ किया था। मेरी गाड़ी में मैंने मोट्यूल का 20W50 यूज़ किया था, ठीक है। उससे पहले मैंने इंजन को फ्लश कराया था, ठीक है। मेरे को इतना रिलायबल लगा कुछ कहने के लिए, मेरा सारा जो इंजन ऑयल था वो बाहर निकल के आ गया, ठीक है। ये मतलब गंदगी थी ना, जो स्लच था, मतलब इंजन ऑयल करते ही बिल्कुल साफ़। अगर आप इंजन ऑयल को हाथ पे लोगे ना तो वो रुकेगा नहीं इंजन फ्लश डालने के बाद। अगर आप नॉर्मली हाथ पे लोगे तो वो रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर वो नहीं रुक रहा है आपके हाथ पे इंजन ऑयल इंजन फ्लश करने के बाद, तो ये इसका मतलब ये है कि आपका इंजन फ्लश काम करके गया है, ठीक है। बस तो आज का वीडियो यही है कि बस अगर आप लिक्यूमोली यूज़ करना चाहते हो, आप लिक्यूमोली ले सकते हो, आपको लिक्यूमोली अच्छा लगता है तो वो यूज़ करो। बट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो उर्थ का। उर्थ ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अच्छा भी है। दोनों ब्रांड जर्मनी को बिलोंग करते हैं, सबको पता है कि जर्मनी में कार और बाइक मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होती है। मैन्युफैक्चरिंग भी छोड़ दो तो सबसे अच्छी जो कार और बाइक्स मानी जाती है जर्मनी की मानी जाती है, BMW, वो भी जर्मनी की है, ठीक है। बस लिक्यूमोली के साथ एक फ़ायदा है, आपको लिक्यूमोली के स्टिकर मिल जाते हैं, दो मिलते हैं मेरे पास अभी, एक ही है, मैंने एक अपनी बाइक पे लगा लिया, दो स्टिकर मिलते हैं, बस यही है। अगर आपको दोनों चीज़ें, अगर दोनों में से कोई परचेस करना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मेरे को जो, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे को उर्थ ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू
लिक्विड मॉलिक्यूल मेरे को उर्थ ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। 100 रुपीज़ में मिलता है आपको 50 ml चल जाता है, ठीक है। अगर हम इसके 50 ml की बात करें तो आपको 200 रुपीज़ के आसपास का पड़ता है, अगर एक कैलकुलेट करें 80 ml के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपके पास बड़ी बाइक है, बिग बाइक है, अगर आप तो 300 cc हो गई, 400 cc हो गई, आप नो डाउट लिक्विड मॉली के साथ जाओ। अगर आपके पास 100 cc की बाइक है, 150 cc की बाइक है, तो आप इजीली उर्थ के साथ जा सकते हो, ये अच्छा काम करता है, ठीक है। और रही बात इसके ऑयल एडिक्टिव की, पेट्रोल एडिक्टिव की, तो मैंने इसको डाला था, मेरा थोड़ा एवरेज भी अच्छा आया मेरी गाड़ी का। मेरे को लगा मेरी गाड़ी की नॉकिंग साउंड भी कम हुई थोड़ी सी इसकी वजह से, शायद हो सकता है कार्बन हट गया हो इसका, ये ऐसा कंपनी क्लेम करती है कि इससे कार्बन हट जाता है, ठीक है। जो MST शूटर इसके साथ आता है, ये आपके इंजन ऑयल में पड़ के लगता है, मिल के लगता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके इंजन ऑयल का फ्रिक्शन कम हो जाता है, इंजन का फ्रिक्शन कम हो जाता है। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि हम इंजन फ्लश क्यों कराते हैं, उसमें भी क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, तो इंजन के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो आपस में टच होते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उनके जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो आपके इंजन ऑयल में मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे क्लच प्लेट्स का लेदर हो गया, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाता है ईजिली। यार देखो, क्लच प्लेट हो गई या आपका ऑयल फिल्टर हो गया, ऐसी चीज़ें जो रेगुलरली आपको डलानी होती हैं। अब क्लच प्लेट जो हो गई वो 20,000 किलोमीटर पर आप डला सकते हो, ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मेरा पर्सनली ब्लॉग चैनल है, फिर भी मैं थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, यार सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार, ठीक है। तो यही था दोनों का कंपैरिजन वीडियो, 100 रुपीज़ का है, 249 का है, वो आपके ऊपर आपको चूज़ कौन सा करना है, पर ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है, मेरे को लगता है 100 रुपीज़ में आपकी बाइक इंजन फ्लश हो रही है, 150 cc की, 1 लीटर इंजन, तो बहुत अच्छी बात है। 249 का एक्सपेंसिव है, अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बेकार है, ये अच्छा है भाई, मैं किसी ब्रांड को डीप्रमोट नहीं कर रहा, ये अच्छा है, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हो 249 रुपीज़ में, आप इसको अगर आप 1 लीटर की बाइक है आपके पास, 1 लीटर इंजन वाली बाइक है, तो आप इसको शायद मेरे को 50 ml डालने के बाद 30 ml शायद और भी किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। अगली बार अगर हो सकता है आपके पास 100 cc की स्प्लेंडर हो, स्कूटी हो, उसमें डाल करके आप इंजन फ्लश कर लेना, तो भी ये आपको फ़ायदेमंद होगा। आप ऐसा कह सकते हो कि इससे एक बार में एक 1 लीटर का इंजन और एक 700 ml वाला इंजन आप इजीली फ्लश कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं, बस यही था आज का वीडियो, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। अगर आपको और किसी चीज़ के बारे में जानना है, इनसे कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को बता सकते हो, मेरे को यूट्यूब में नीचे कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मेरे को बता सकते हो। और कोई भी बात, अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय बाय।